बाबा कहते हैं बच्चों ने ये महिमा किसकी सुनी? अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा ही कहा जाता है, क्योंकि प्रजा पिता, तो पिता अर्थात बाबा। प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार। अब तुम बच्चे बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की तुमने आकर के गोद ली है ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, उनको आकारी शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा परम पिता अर्थात परे ते परे रहने वाला। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी वहां के ही रहने वाली हो। वह बाप परम पिता, परे ते परे रहने वाला, परम धाम में रहने वाला बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनकी यह महिमा गाई जाती है। उनको यह भी कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवाय। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, बाबा को आप जैसा ही हमें पढ़ाने वाला हो, अथवा पढ़ाने वाला है तो आप ही है, हम ऐसे कहेंगे ना। भाई भी हो तो आप जैसा हो, बाप भी हो तो आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्ष आजकल के बच्चे माँ बाप की पूरी सेवा नहीं करते हैं। स्त्री बस शादी की, स्त्री मिली, कुछ खिटपिट थोड़ी बहुत हुई, बस घर छोड़ करके अलग घर कर दिया, माँ बाप को छोड़ के घर अलग कर दिया। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, तो तुम्हारी शिव बाबा इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा, बच्चे के बदली अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुखी बना देगा। उनको अगर साजन बनाओ तो तुम्हारा तुम्हें श्रृंगार करके स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि हटा करके मुझे अपना बनाओ, अथवा तुम मेरे बन जाओ, क्योंकि देह के संबंध तो सब तुमको दुख देने वाली है। मैं बाप कहते हैं मैं तो तुमको सुख ही सुख दूंगा। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते भी हैं, समझते हो ना, हम उस समय जब खेलते हो बाबा भी साकार में जब खेल करते थे तो पूछते थे बीच बीच में जिनसे खेल खेलते थे, तो बाबा कहते हैं कि देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो ना, हम भाई के साथ खेल रहे हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको तो विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सब संबंध उनके साथ रख करके और सबसे तोड़ना है। बस ये
पक्का याद रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर के तुम बच्चों के सन्मुख आकर तुमको सभी दुखों से छुड़ाकर सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ तो बुद्धि योग लगाना ही चाहिए ना, और वो स्वयं आकर के ब्राह्मण बन तुम आत्माओं की सगाई भी कराते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बन गए ना, तो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। तुम्हारे कितने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, सुन रहे हैं ना, जो हमारे अभी के नाम चल रहे हैं। ड्रामा अनुसार तुम्हारे नाम बदली करके रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने भी एक कुटुंब को छोड़कर ईश्वर को अपना बनाया। जब ईश्वर की गोद ली तो देखो नाम कितने अच्छे अच्छे रमणी पड़े हैं, याद भी करते हैं ना, भगवान को याद भी तो करते हैं। हे पतित पावन आओ, तो फिर उसने तुम्हारे पर नाम भी इतने अच्छे अच्छे रखे हैं। देखो लोग, मनुष्य और उसमें भी विशेष माताएं श्री कृष्ण को कितना प्यार करती है, कहती है हमें तो श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, हमें तो श्री कृष्ण जैसा पति मिले। समझते भी है वो स्वर्ग का मालिक था, फिर भी उनको द्वापर में ले गए हैं। ये है बड़े ते बड़ी भूल। अब ये सब भूलों को बाप निवारण करके आकर तुम्हें अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें कोई करते ही नहीं, यही स्वर्ग की, स्वर्ग में ऐसी भूलें कोई करती ही नहीं, करते ही नहीं, क्योंकि भूल कराने वाली कौन है, वो तो है माया। वह माया ही नहीं है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा करके तुम सबको समझा देते हैं। यही देखो स्वर्ग के महाराजा महारानी थे, अब सोचो ऐसा किसने बनाया। अज्ञान काल में अगर किसके पास धन थोड़ा जास्ती होता है तो पूछा जाता है तुमको ये किसने दिया, कहती है भगवान ने दिया, क्योंकि बाप ही तो दाता है। बाबा हमको बेहद का स्वराज देते हैं, बाप तुम बच्चों को मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज करके फिर भक्ति मार्ग में फिर जाकर के शिवालय बनाते हो जर चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, तभी जाकर ऐसे ऐसे मंदिर बनाते हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हम तो है देवता ही कुल के, आपे ही पूजा, आपे ही पुजारी बन जाते हो। मैं तो, बाप कहते मैं तो सदैव पूज ही रहता हूँ, भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, मैं तुमको याद का अभी फल देने आया हूँ। मैं तुमको कहता हूँ, क्या कहते हैं मामा, फिर ये बात पक्की कराई है, कल की मुरली और आज की मुरली, अभी मैं तुमको कहता हूँ कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा, 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में ही रहना अच्छा लगता है, मैं तुमको सभी रूपों से सुख देने आया हूँ।
वो तो जो भी तुम्हारे संबंध है वे तो सब तुमको दुख देते हैं। अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, तो देखो शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है। तब तो सभी उनको याद करते हैं। हे शिव भोला भंडारी, आगे क्या बोलते हैं हाँ? बोलो, हे शिव भोला भंडारी भर दो झोली हमारी। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो देखो उनको कितना याद करते हैं। तुम जानते हो अभी हम विश्व, अभी बाप में विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाप कहते हैं अभी बताओ तुम विश्व के मालिक बनने के लायक हो। बाबा आकर के नालायक को लायक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? राजयोग सिखला करके महारानी महाराजा बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। उसके लिए ये बाबा ऊंचे ते ऊंची तुम्हें शिक्षा देकर तुम्हारा नाम बाला करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये बात सदा याद रखो और शिक्षा पर चलकर अपना नाम बाला करो। बच्चों में भी तो नंबरवार होते हैं ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी रहते हैं। तो तुमको तो अभी बेहद का बाप मिला है, उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का तो नाम ही है कल्याणकारी। नरक को आकर स्वर्ग बनाते हैं तो उनका कितना आज्ञाकारी बन के रहना चाहिए। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। जितना श्रीमत पर चलेंगे तब ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सबसे ममत्व मिटाना है, पहली श्रीमत, इसको पालन कर दिया तो मेरा पार। कहते हैं बाबा, कहते हैं बच्चे सबसे ममत्व मिटाना है। बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा ममत्व कैसे मिटाएं? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना लो फिर राय लेते रहो। बाबा इस हालत में मुझे क्या करना है? बाबा कहते हैं देखो छोड़ना तो सन्यासियों का भी हो जाएगा, घर बार का सन्यास तुम्हें नहीं करना है। सन्यास तुम्हें सारी पुरानी दुनिया का करना है। वे सन्यासी तो घर बार छोड़ के जाते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं, पत्नी बेचारी को विधवा बना देते हैं। फिर भी इतना तो कहेंगे कि खुद तो पवित्र रहते हैं, इसलिए फिर भारत को ये भी मदद करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि गुरु बन गए तो किसकी गति और सदगति कर सकते हैं। गति और सदगति करने वाला तो एक ही सदगति दाता बाप है। पवित्र बनाते हैं परंतु वो भी सिर्फ पुरुषों को। आजकल करके कोई कोई माताएं बनती है, नहीं तो सिर्फ पुरुषों को पवित्र बनाते हैं। और बाबा तो दोनों को आकर पवित्र बनाते हैं। तुम सब कांटे बन करके एक दो को काटते रहते थे, सत्युग में ऐसे होता ही नहीं है। बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बन करके दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में सब सुखी रहते हैं। परंतु अभी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे
तब ही इतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी तरह से पुरुषार्थ में क्या क्या बातें हैं, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा मिलेगा, जो जितना वर्षा देते हैं उतना फिर हम उनको रिटर्न में भी देंगे, परंतु देंगे स्वर्ग में, यहाँ नहीं देंगे। कोई समझे, अच्छा अभी हमको मिल जाएगा, मिलेगा यहाँ मिलेगा तो फिर ममत्व पर जाएगा, क्योंकि ये है ही ममत्व की दुनिया, और इच्छा से मिलेगा तो और ममत्व जास्ती रहेगा। तो बाबा भी बच्चों को इन सब बातों से मुक्त रहे ऐसे ही साधन बताते हैं, दूंगा रिटर्न में इससे भी जास्ती, परंतु स्वर्ग में दूंगा, यहाँ नहीं। मुझे जो कुछ तुम देते हो मैं थोड़ी अपने काम में लगाता हूँ, वो भी तो तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। मैं तो देखो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ, मैं तो विश्व की बाथियाई भी नहीं लेता हूँ, तुम ही तो विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे लिए ही देखो ये मकान आ, देखो इतना बड़ा शांतिवन बना, और भी बन रहा है, फिर मुकरी माता का बना, और भी देखो बनते जा रहे हैं। क्यों इतना बड़ा हाल बनते भी बाबा के महावाक्य दिन प्रतिदिन बच्चे बढ़ते जाएंगे। क्यों सत्युगी राजधानी बननी है, केवल धर्म नहीं परंतु राजधानी बननी है, और बननी यहाँ ही है, जो फिर वहाँ शुरू से ही राजधानी शुरू हो जाए। बाबा कहते ये सब मकान तुम्हारे लिए बनाए हैं। अब देखो ये प्रदर्शनी बनाई है, वो भी तो तुम बच्चों के लिए कि बच्चे जाकर इस पर सर्विस करें, फिर भी मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए जितना चाहे मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ। बाप फिर इतना रहम दिलाए, पहले कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, फिर अभी कहते हैं तुम बनाओ या ना बनाओ, मैं तो तुम्हें सत्य की बातियाई दे दूंगा, सभी को सुखी तो बना ही देता हूँ। बाप कहते हैं अपने वारिस बनाओ या ना बनाओ, परंतु पवित्र जरूर रहो, एक बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएंगी। बाकी कोई ये झूठे मंत्राद काम में नहीं आएंगे, मैं तो तुमको तुम्हारा कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। कौन सा कल्याणकारी मंत्र? बाप और वर्षे को याद करो। देखो बच्चा पैदा होता है तो उनको तो वर्षा मिलना ही है, तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, मानते हैं ना सभी, हम शिव बाबा के बच्चे हैं पक्का पक्का, परंतु ये भी याद रहे कि हम आज्ञाकारी बच्चे, जैसे बाबा कहते हैं माँ बाप के माता पिता के, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। तो बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ, मेरे बनने से तुमको कितना फायदा होता है। गुरु गुसाई आज सबसे संबंध तोड़ो, मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा फिर हमें ये भी स्मृति दिलाते हैं, मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ इन ऑर्गन्स के द्वारा, शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो खिलाने वाले समझते हैं कि समझो कोई स्त्री बड़ी भावना से बना करके पति ने शरीर छोड़ा है तो श्राद्ध खिलाती है, तो समझती है अभी इस ब्राह्मण में उनकी आत्मा आई है, शरीर तो आ नहीं सकता है,
बाबा का तो अपना शरीर है नहीं, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। और वास्तव में पहले बताया ना बाबा ने, मैं आत्माओं से बात करता हूँ, तो बाबा कहते हैं मैं भी अशरीरी हूँ और तुम बच्चे भी अशरीरी बनो। देह का अहंकार छोड़ दो, सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो। सत्युग में तो आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान सारा भूल गए। तो पहले खुशी से शरीर छोड़ते थे, सत्युग में शरीर खुशी से छोड़ते थे और लेते थे, क्योंकि वहाँ तो जानते थे आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेंगी। फिर देह अभिमानी बन गए तो आत्मा का सारा ज्ञान भूल गए। तो देखो अब तुम्हारा क्या हाल हो गया है। आत्मा को तो अनादि पाठ मिला हुआ है, स्वर्ग में जहाँ बाप तुमको ले जाता है, स्वर्ग में तो रोने की बात ही नहीं है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमोप्रधान बन पड़े हो। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपन को आत्मा समझ, वो जब बाप को याद करो। यहाँ कहाँ भी तुम जाएंगे देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं, और यहाँ यहाँ कौन दिखाई पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि साधारण तन को धारण करके बाप आते हैं। यहाँ तो निराकार परमात्मा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं, वे तो सब गुरु आद सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाले हैं। शास्त्र भी पढ़ते पढ़ते क्या बन पड़े, जो पावन थे वो बदल गए, उनके अल्टरनेट बन गए। तब तो पुकारते हो हे सदगति दाता, हे मुक्तेश्वर बाप, हे पाप कटेश्वर अभी आओ। अच्छा बाबा आया है, बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। अभी बाप की तो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, क्यों बाबा तो है ही श्री श्री। बापी तो आकर के भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी अब जानते हो, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये ड्रामा का चक्कर चलता ही रहता है। ना आत्मा मिटती है ना आत्मा का पार्ट ही मिटता है, आत्मा भी अविनाशी चलती है, जो पार्ट भरा हुआ है वो भी अनादि चलता ही रहता है, और फिर वो कल्प कल्प बदलता रहता है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, उसका ये चक्कर फिरता ही रहता है, ये सारा बना बनाया खेल है, इस खेल से कोई छूट ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ। तुम फिर कितने, तुमको मैं स्वर्ग के सुख देता हूँ, जब थोड़ा नीचे आते हो सतोप्रधान से रजो, और फिर जब तमो शुरू होता है रजो भी, जब रजो में आते हो तो फिर धीरे धीरे क्या करते हो, तुम कितना हीरे जवाहरात के मंदिर बना लेते हो,
उसमें फिर हमको निराकार बाप बोलते हैं, उसमें फिर हमको अर्थात मेरी मूर्ति को बिठाते हो। अभी जब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो फिर तुम मुझे फारकती क्यों देते हो? जानते हुए, पहचानते हुए, जैसे जानते ही नहीं है फारकती दे देते हैं। तुम्हें तो सबको जाकर के बाप का परिचय देना है कि बाबा कैसे आकर के अभी स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। देखो कितनी सहज बात है। ये तो जरूर है माया आएंगी तुम्हारे पास, तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न पड़े, हमारा काम है माया को भगा दें तो और कोई याद ना आवे। गाया हुआ है, एक घड़ी आधी की पुनः आद, याद करने की बार बार प्रैक्टिस करते रहो तो फिर आखर अंत मते सोगति हो जाएंगी। अगर बुद्धि कहाँ भी भटकी हुई होंगी तो क्या हाल होगा? बाबा कहते हैं फिर तो सजाएं भी खूब खानी पड़ेंगी। जितना सुख मिलेगा तो नहीं मानेंगे तो सदाएं भी खूब खानी पड़ेंगी। जैसे देखो जो काशी कलवट खाते हैं, अभी तो वो नहीं है काशी कलवट की रसम, पर जब खाते थे अब तो उस समय अंत घड़ी में कितना उनको सहन करना पड़ता। अब ये सब बातें धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर के रहना पड़ता है। अब हमें वापस जाना है। यहाँ कोई मजाद नहीं है, माना ये कोई खेल नहीं है। ये तो देखो आज की दुनिया में भले कुछ भी दिखाई पड़ता है, इतना सारा अभी नई नई चीजें, तो बाबा कहते हैं कि इसमें कोई मजा नहीं रखा है। ये तो थोड़े ही समय में अर्थक्वेक में सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रोज मुरली सुनते हो, मरने के पहले अपनी अविष्टा जरूर बनाओ, अच्छी बनानी है। अब फिर बाबा हमें नशा चला रहे हैं, नशे में आ जाओ अपने। तुम सब हो शिव शक्तियां पांडव सेना, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान तो रजास्ती है, तुम सब हो कन्याएं। ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं है ना, परंतु यहाँ कन्याएं भी हैं और अधर कुमारियां माताएं भी हैं, उसको अधर कुमारियां कहते हैं। सब निर्विकारी रहती हैं। गाया हुआ है ना, भीष्म पिता मैं जैसे को भी बाण माना था, तो ऐसे भी बहुत है। छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं, अब भी वो ही करा रहे हैं। ये मंदिर सब अभी टूटेंगे और फिर
भक्ति मार्ग में द्वापर से लेकर फिर भक्ति मार्ग में फिर से ये सब बनेंगे। अब ये सब बातें समझने और धारण करने की है। ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने आप से करते रहो तो याद की स्टेज बनती जाएंगी। पहले बताया ना, एक घड़ी आधी की पुनः आध, याद करते ही रहो जितना भी समय कर सको। अच्छा, बाबा कहते हैं अपने से ये सब बातें करते रहो, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। भगवानो वचन, मैं तुमको नरसिंह नारायण बनाता हूँ। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते। देखो, इनकी आत्मा भी, ब्रह्मा की आत्मा भी सुन रही है। तुम बच्चे ये घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्या मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रहा हूँ और शिव बाबा हमें इनके द्वारा सुना रहे हैं। देखो, कछु का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम बच्चों को अभी बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो कुछ भी फायदा नहीं है। हम भी पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा बोले, हम भी पूजा करते थे, अथवा हमें दूसरों को ये समझाना है, हम भी पूजा करते थे, परंतु अभी जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों माथा मारते रहते हो? अब ये तो सब भस्म हो जाना है। तुम्हारे ये पोतरे पोतरियां, इतना परिवार कुछ भी आगे रहेगा नहीं। विनाश के समय तो सब मरने के हैं। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, तुम्हें सबका कल्याण करना है। इसलिए सदा याद रहे, हम कल्याणकारी बाप के बच्चे, हमें सबको बाप का परिचय दे करके उन्हों को भी इतना बाप से वर्षा दिलाना है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। अब फिर से सुनो, देखो अपने को, हमें क्या क्या बातें याद आती है सार रूप में।